मूर्ति प्रकाश करूंगा, तो मूर्ति प्रकाश करूंगा, देखिए इस तरह से तो मूर्ति प्रकाश अलंकार, मूर्ति प्रकाश अलंकार ये क्या है? उसे पहले परिभाषा को मूर्ति प्रकाश अलंकार की एक काव्य में जाना, काव्य में जहां काव्य में जहां मूर्ति काव्य में जहां एक ही शब्द काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए, बार बार आए और हर बार उसका अर्थ एक समान हो के अलंकरण काव्य में जहां एक ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ एक समान हो उसे उसे मूर्ति प्रकाश अलंकार है, उसे मूर्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। अलंकार
मधु। देखिए इस भाग को हम दोबारा से लिखते हैं, जैसे नहीं प्राग, नहीं प्राग, नहीं मधु मधु, नहीं मधु मधु, नहीं प्राग, नहीं मधु मधु, नहीं विकास निकाल, नहीं विकास इही काल, इही काल अली कलीशो बंदो, अली कली कलीशो बंदो, कलीशो बंदो बंदो, आगे कौन हवा, आगे कौन हवा। अब यहां देखिए, नहीं प्राग, नहीं मधु मधु, नहीं विकास ही काल, अली करीबी शो बंदो, आगे कौन हवा। तो इस काव्य पंक्ति में देख लीजिए हमारा क्या है, हमारा जो अलंकार है वो है अन्योक्ति। वैसे जिसके नाम में ही ये जो शब्द है अन्योक्ति, इस शब्द के अंदर ही इसकी परिभाषा क्या है, इंक्लूड है, छिपी हुई है। अन्य पदस उक्ति, अन्य पदस उक्ति में दो संधि बन गया अन्योक्ति, ऐ ओ गुणित करके, अन्य का यानी ऐ और उक्ति का ह्रस्व, ऐ ओ गुणित करके ओ हो गया दो संधि के अनुसार, और इसका हो गया दूसरे की बात। परिभाषा क्या है, काव्य में जहां अप्रस्तुत या उपमान के लिए ए माध्यम से प्रस्तुत तथा उपमेय का वर्णन किया जाए उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, ये जो उदाहरण है ये कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित है। तो इस उदाहरण में बिहारी लाल ने वर्णन किया है कि राजा जयसिंह के दरबार में कवि बिहारी लाल जी रहते थे, और क्या देखते हैं कि राजा जयसिंह की जैसे ही शादी होती है तो वो अपनी नविवाहिता पत्नी के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगते हैं, जिस कारण से उनका जो राजपाट है वो क्या डगमगाता नजर आ रहा था कवि बिहारी लाल को, अर्थात जो उनका राज्य था वो पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। इस कारण से उन्होंने क्या है इस दोहे की रचना की, क्योंकि वो डायरेक्ट तो राजा जयसिंह को नहीं कह पाए कि आप क्या है राज्य के कार्य का इत्यादि में या कार्य काल में जो भी है आप अधिक समय नहीं दे पा रहे हो, और अधिक से अधिक आप अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहे हो, इसलिए उन्होंने इस दोहे का सहारा लिया। इस व्याख्या देखिए, नहीं प्राग, नहीं मधु मधु को कहते हैं कि अभी नहीं, तो इसमें भी प्राग हुआ है, इसको कहते हैं जो अली कली, कली क्या है फूल की खिलने से पहले की अवस्था, इस कली में नहीं तो भी इतना प्राग हुआ है। प्राग क्या है, प्राग यहाँ क्या है, उनका जो पीला भाग है उसमें जो मिठास होता है उसकी बात की है, जो उसमें सुगंध होती है कि नहीं तो इसमें भी इतनी सुगंध है, नहीं मधुर मधुर, नहीं इसमें भी मिठास है, नहीं विकास ही काल, और नहीं अभी एक खिलकर विकसित हुई है, जो कली है खिलकर क्या है विकसित नहीं हुई है। और अली, अली का मतलब भंवरा, यदि भंवरा इस कली के साथ अभी से, यदि अली कली जो मंदिर यदि अभी से इसके साथ या इस कली के ऊपर मंडराता रहेगा तो आगे कौन हवा, अर्थात जब ये कली खिलकर फूल बन जाएगी तब इस भंवरे की, इस अली की क्या स्थिति होगी। कहने का मतलब क्या है, कवि बिहारी लाल ने यहाँ जो अली है वो राजा जयसिंह को माना है, और जो कली है उसकी पत्नी को माना है, इसलिए भंवरे और क्या है कली के माध्यम से उन्होंने राजा जयसिंह को क्या है समझा दिया है। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने डायरेक्ट में कह करके उन्होंने क्या किया प्रस्तुत, अर्थात उपमान के माध्यम से क्या किया प्रस्तुत, अर्थात क्या किया उन्होंने यहाँ पर क्या है प्रस्तुत, यहाँ पर क्या है प्रस्तुत, यहाँ पर क्या अली और कली है, इसके माध्यम से उन्होंने क्या है जो प्रस्तुत है
था राजा जयसिंह और उनकी पत्नी के बारे में, उनको क्या है अच्छी तरह राजा को समझा दिया है। तो यहाँ पे एक है हमारा अनोखी अलंकार हो जाता है जहाँ पर सीधे ने कह करके किसी अन्य दाव्य वस्तु का सहारा लिया जाता है।